नमस्कार, किन्नौर पेज में आप सभी का स्वागत। आज पूरे भारत में गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया है और इस उपलक्ष पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। और गणतंत्र दिवस पर जो आज की गतिविधियां रही है वो हम आपको 9 बजे दिखाएंगे। और अभी हमारे पास आज का जो एपिसोड है वो है संगीत संध्या और संगीत परिचर्चा। हालांकि एपिसोड हम रविवार को शुरू करते थे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अब इस एपिसोड को धीरे धीरे उसी पड़ाव में शुरू करें। और मैं इस एपिसोड में हमारे किन्नौर के जितने भी युवा कलाकार हैं, वरिष्ठ कलाकार हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, या फिर जो अन्य सेवाएं दे रहे हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उनसे आह्वान करता हूं कि इस संगीत चर्चा और परिचर्चा के द्वारा हम अपने लोकगीत पारंपरिक गीतों पर जो चर्चा करें उनके संरक्षण के लिए और उन गीतों को सुने, ताकि हमारे जो वर्तमान की भावी पीढ़ी है, जो हमारे किन्नौर के जो पारंपरिक लोकगीतों को जो है वो हमेशा से संरक्षित रखे। आज हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे ही वरिष्ठ और युवा कलाकार जो यूनिवर्सिटी में है। और मैं बताना चाहता हूँ हमारे पोरबनी से, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बेटियाँ जो किन्नौर के बाहर भी जो है संगीत में परचम लहरा रही है। हालांकि संगीत के बारे में अगर हम कहें तो ये अथाह समुद्र है, आप जितना गोता लगाएंगे उतना ही आपको इसमें जो है मोती हीरे ढूंढने को मिलेगा। किन्नौर में ऐसे कई युवा कलाकार हैं और ऐसे वरिष्ठ कलाकार भी हैं। हम जानते हैं आदरणीय मायूमनी जी को, जिन्होंने जो है अपने जो है गीतों के द्वारा किन्नौर को संरक्षित रखा है और उन्हें सुर कोकिला का भी नाम दिया है, और आदरणीय केदार नेगी जी जो हमेशा सदाबहार रहे हैं। और आज हमारे साथ ऐसे ही शख्सियत है हमारी युवा कलाकार, और कहेंगे कि डॉक्टर सुनीता जी पूर्वनी से है और इन्होंने संगीत में MPhil और PhD किया है। और संगीत में ये जो है फिलहाल वर्तमान में दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और कन्या गुरुकुल परिसर देहरादून में भी जो है सेवाएं दे रहे हैं। तो इनकी जो संगीत से जुड़ी जो यात्रा है इस पर हम चर्चा करेंगे। और फिलहाल इस पेज के द्वारा हमारी जो किन्नौर की बेटी है जो सेवाएं दे रही है संगीत में, और उन्होंने अभी आपको उनकी जो आवाज़ सुनाई और बहुत सारे एल्बम उन्होंने जो है निकाला भी है, तो जानेंगे संगीत की यात्रा में और किन्नौर के गीतों को भी संरक्षित रखना और बाहर जो है यूनिवर्सिटियों में बच्चों को शिक्षा देना। तो मिलते हैं आज की हमारी बेटियां जो किन्नौर से है, पूर्वनी गांव से है, सरिता, डॉक्टर सरिता नेगी जी। मैं आज स्वागत के है, इस स्वागत है जी आपका। जी धन्यवाद सर, सभी को मेरा प्रणाम। मैं सर्वप्रथम तो आज राम भगत जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे अपने किन्नौर अब तक के पेज में आज इस परिचर्चा का एक परिचर्चा में शामिल होने हेतु निमंत्रण दिया। हालांकि ये परिचर्चा पहले भी होनी थी, 2 बार ऐसी टली रही, कोई ना जैसे अंत जी, हो तो जी, सब भला हो, और आज का देखिए डॉक्टर अवसर जी, भी। डॉक्टर जी जी, डॉक्टर जी, मैं आपसे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आपको सबसे पहले तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई। आप जो है बाहर सेवाएं दे रही है संगीत की शिक्षा में, तो आप थैंक पहले यू सर। अपना पूरा परिचय दीजिए ताकि जी हमारे जी जी किन्नौर की युवा जो है आपसे कुछ शिक्षा ग्रहण करे और संगीत में भी जो अपना रुचि रखे। ठीक जी है सर। स्वागत है आपका। हाँ आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। जी जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता नेगी किन्नौर पूर्वनी गांव से संबंध रखती हूँ, और मैंने अपना जो संगीत विषय में ही अपनी पढ़ाई पूरी की है, मास्टर्स MPhil PhD दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और वर्तमान में मैं संगीत गायन में कन्या गुरुकुल कैंपस देहरादून, जो कि गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है लड़कियों का देहरादून में, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर गायन के पद पर कार्यरत हूँ। तो साथ ही मैं पहले तो सबसे पहले आज इस किन्नौर अब तक के पेज का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज इस परिचर्चा का के लिए मुझे आमंत्रित किया है। तो मुझे लगता है कि आज जो हमारी डिस्कशंस होंगी
तो वो काफी फलदायक रहेंगी। कुछ हम आज का जो सिनेरियो है। हेलो डॉक्टर साहब, डॉक्टर जी जी आज गणतंत्र दिवस भी है तो मैं सबसे जी पहला जी 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 देशभक्ति जी गीत आपके मुख के द्वारा जरूर यहाँ सुनना चाहूंगा और जी दर्शक भी जो जरूर है उस देशभक्ति का गीत से जो सराबोर होंगे तो स्वागत है। उसके बाद हम चर्चा रखेंगे। जी 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 तो पहले तो सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, मैं तेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ। जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। जी बहुत बहुत आभार। आपने बहुत अच्छी गायकी से जो है हमारे जो गणतंत्र दिवस का जो है एक मिठास यहाँ पर सुनाया। तो आपका पुनः स्वागत। सरिता जी, हम जानना चाहेंगे आपकी जो बचपन की जो शिक्षा उसको लेकर चलेंगे, क्योंकि शिक्षा के साथ जो संगीत का पड़ाव है, क्या ये बचपन से आया है या फिर कॉलेज लाइफ में आया थे, इसके बारे में जानना चाहेंगे, या फिर घर से शुरुआत हुई होगी। पहले आप अपने बचपन की जो शिक्षा है गांव से कहाँ से शुरू हुई है जिक्र करें। तकनीकी दिक्कत के कारण हमारे अतिथि जी जी, सर सर बीच में थोड़ी आपकी आवाज चली गई थी, तो हो सकता है। मैं ये कह रहा था कि बचपन की जो आपकी शिक्षा रही है वो जी जी गांव जी से जी रही है, तो हाँ जी ये जो आपका संगीत है क्या गांव के स्कूल से हुआ या फिर बाहर से हुआ है? कहाँ से जी 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 सर आपकी? जी सर शायद मुझे लगता है मुझे संगीत तो विरासत में मिला है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस समझती हूँ कि जो मायूम जी हैं वो मेरी मासी हैं, तो उन्हीं के शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैटरनल उधर से ही मेरे में संगीत जो विरासत में रहा है। तो बचपन से शौक तो था, परंतु जिसकी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू हुई मेरी, तो आफ्टर स्कूल जब मैं कॉलेज में गई चंडीगढ़, 9th में जब मैं थी, मुझे याद है जब मैं शिमला में पढ़ती थी, 2 साल मैं किन्नौर में पढ़ी हूँ, उसके बाद मेरी थ्रू आउट जो पढ़ाई हुई है शिमला चंडीगढ़ और दिल्ली से। तो वहां पर जो मेरी मैम थी डॉक्टर सुनीता मैम, उन्होंने मुझे गाइड किया था कि तुम्हें आगे संगीत में ही अपना फ्यूचर देखना चाहिए, क्योंकि तुम अच्छा गाती हो, तो आगे मैं चाहती थी तुम प्रॉपर ट्रेनिंग लो उसकी। तो फिर आफ्टर स्कूल ही, जैसे मैं कह सकती हूँ कि कॉलेज में एज अ सब्जेक्ट मैंने संगीत रखा, GCG 42 में मैं पढ़ती थी, तो इसी तरह से मेरी संगीत की यात्रा शुरू हुई, जो ट्रेनिंग शुरू हुई। बाकी तो वैसे संगीत मुझे विरासत में ही मिला है, तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि भाई मुझे इस संगीत के क्षेत्र में काम करने का मौका मिला। और जब मैं मास्टर्स करने के बाद, हमारा एमफिल होता है, एमफिल में आपको डेजर्टेशन के लिए टॉपिक दिया जाता है कि आपको एक डेजर्टेशन लिखना है इतने पेजेस का, तो आप क्या टॉपिक लेंगे। तो मैंने जो फेस किया कि संगीत के और क्षेत्रों में तो बहुत काम हुआ है, परंतु किन्नौरी, हालांकि किन्नौर में बहुत से लोग हैं जिन्होंने किन्नौरी मतलब PhD करी है संगीत में, परंतु जब मैंने देखा कि किन्नौरी संगीत में मतलब इस विषय पर कोई मतलब कोई थीसिस नहीं लिखी गई है, कोई डेजर्टेशन नहीं हुआ है, तो उस समय मैंने, मुझे बड़ी जागरूकता थी कि नहीं इसमें होना चाहिए। तो उस समय मैंने किन्नौर के विभिन्न लोकगीतों पर अपना थीसिस मैंने पूरा किया, और बाद में किन्नौर की जो विभिन्न लोक भाषाओं में गाए जाने गीत हैं उसकी भी मेरी बुक है। तो जी बहुत इस खूब। तरह से मैं समझती हूँ कि जो चीजें हमारी विलुप्त होती जा रही हैं या फिर सामने नहीं आई हैं, तो उस चीजों को हमारा दायित्व बनता है
जी सरिता जैसे जी, सरिता जी जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। जी आपने किन्नौर की जो जो गीत है उस पर आपने बुक्स लिखे हैं, तो किन किन जी लोगों का जी उस बुक्स लिखने में सहयोग लिया, उनका थोड़ा आप जिक्र सहयोग करेंगे? जी जी जरूर सर। इसमें तो सबसे पहले तो जब मैंने इसका हम स्टार्टिंग में इसके वो बनाते हैं, वो रूब्रिक्स बनाते हैं, तो रूब्रिक्स में मेरी जो हेल्प करी है उन्होंने, ये प्रोफेसर विद्यासागर नेगी जी जो हिमाचल यूनिवर्सिटी में जी गोटी गोटी लैंग्वेज में है, उन्होंने मेरी काफी हेल्प करी कि आप इस तरह से बनाइए, क्योंकि आप फिल्में तो मैंने कर लिया खुद से, जब मैं पीएचडी के लिए गई तो मुझे बताया गया कि आप उधर जरूर जाइए, तो उन्होंने काफी हेल्प किया मेरा। और साथ ही साथ मुझे अपने जो किन्नौर के निचले किन्नौर के गीत थे उसके लिए मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, मम्मी थे घर में, मासी थी, मायू मासी, उन्होंने काफी हेल्प करा। और गाँव में जितने लोग हैं, चाहे मैं उधर गई अपर में गई चाहे लोअर में गई, तो गांव के लोगों ने भी बहुत मेरी सहायता करी। इवन जब मैं अपर किन्नौर में भी गई, उन्होंने उसमें लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स रहे जिन्होंने मेरी हेल्प करी, जैसे उधर मेरी जो गाइड थी इवन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं करना चाहिए, उन्हें नहीं पता था फिर भी वो एक एक चीज बहुत माइन्यूटली पढ़ती थी। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं डॉक्टर नीता, डॉक्टर तृप्ति, डॉक्टर दिशा भटनागर, विपुल, प्रशांत, अब मैं किस किस का नाम, बहुत से लोग हैं, मेरे माता पिता तो है ही है, मेरी बहनें जी तो ही है। सरिता जी, जी एक जी चीज और जानना चाहेंगे। हाँ आपने यहाँ पर अपनी मासी का जिक्र किया है, जी सुरकोकिला, हमारे जो हिमाचल या किन्नौर की सुप्रसिद्ध गायिका है, वरिष्ठ गायिका है। थोड़ा जी उनके स्वभाव और उनके बारे में आप जिक्र करेंगे, जब कभी पूछा है तो पूछते समय किन किन गहराइयों तक आपको जो सपोर्ट करती थी? सबसे ज्यादा तो उनका यही रहता था कि जब भी कोई मैं कुछ गीत के विषय में पूछती थी उनको, वो बहुत माइन्यूटली डिस्कस करते थे, ठीक है आजकल लोग गा रहे हैं, नहीं ये वाली लाइन ऐसे नहीं ऐसे है, इसको प्रॉपर यहाँ से कनेक्ट होगा, नहीं ये वर्ड गलत है, ये चीजें मम्मी ने बहुत करेक्ट करी। अभी भी कभी कभी मेरी थीसिस उठा के पढ़ती है वो, तो मान लो मतलब आपका जो आप प्रूफ रीडिंग कितना भी कर लो छोटी छोटी चीजें रह जाती, नहीं ये ऐसे है इसका ऐसा है, मतलब वो बहुत गहराइयों में जाकर के उस चीज को बताती थी, तो अभी भी बहुत सपोर्ट करते हैं कि नहीं इसको ऐसे कर वो सरिता जी, ऐसे एक मिलेगा। चीज सरिता जी, जब भी हम कभी मंच में जाते हैं तो काफी जी लोगों ने ये जानना चाहा, गुली गो होना, हाया बे होना, यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। तो ये चीजें काफी लोगों ने सवाल भी किया कि है क्या चीज है, जी तो दर्शकों को बताएंगे कि ये क्या कोई हमारा सरगम से जुड़ा हुआ है, या जो हेलंग है उसको लाने के लिए इसको प्रयोग किया गया है? तो थोड़ा सा आपने थीसिस किया इस पर, जी जरूर जी 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 यहाँ जी पर जी 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 जो गोली गो होना हाया बे होना है, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, ये केवल गीत की एक टेक है जहां से हम गीत को एक कनेक्ट कर पाए। ये जरूरी नहीं कि नए गानों में कोई कम होता है, जितने भी हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं पारंपरिक गीत है उनको एक कनेक्ट करने के लिए एक वर्ड दो लाइंस हम कनेक्ट करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि मैं इसमें अब मेरे को भी इसका मुझे मिल नहीं पाया ठीक से कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है, मैं खुद इसकी मतलब उसके लिए मैं खुद खोज में हूँ कि मुझे इसका मिले कुछ, तो अभी तक जितना भी मैंने पूछा नहीं ये कनेक्टेड वर्ड है, कनेक्टेड लाइंस हैं, गीत की एक टेक सोच लो, सबने यही बताया। मतलब मुझे लगता है कि जैसे हमारे जब आप गायकी सीख रहे थे जी कॉलेज में, तो वहाँ एक रियाज के लिए होता है सारे गामा पा, तो हमारे को लगता है सरगम कि शायद उसी प्रकार का कोई एक ये हमारे किन्नौर में टच दिया गया, अंतरा नहीं और जो सर है उसके लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए, सबसे पहले आपका जब हमारे जो मायूम जी से आपका जो पहली बार कभी मुलाकात हुआ, तो कौन सा गाना उनसे सुना होगा, उसका जिक्र करें उनके मुख से आपने? सबसे पहले जब भी मैं उनसे करती थी बात, तो उन्होंने जंग सोतन कानम जो हमारे पारंपरिक गीतों में से एक है वो मैं बहुत बचपन से उनके मुंह से सुनती थी, तो वो मेरे को लगता है तो उनका शायद फेवरेट गाना मैं भी है, हम जी मैं चाहता गाऊंगी। हूँ कि उनके इसलिए चलिए वो भी देखेंगे आपके एपिसोड जी को, जी जी तो उनके आदर में ये गाना आप जरूर गाएं। स्वागत जरूर सर जरूर। है आपका। गोली गो
आपके अपने परिचय में एक आपने कांगड़ी यूनिवर्सिटी का कुछ जिक्र किया, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? हाँ सर, मैं ये बोलूंगी जो गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी है ये हमारे मतलब भारत में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से ही है, एक है। ऑलमोस्ट इसको 100 ईयर्स से ऊपर हुआ है। तो इसको हमने इसको इनके जो गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना पहले इन्होंने करी थी श्रद्धानंद जी, स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी। तो एक गुरुकुल के रूप में करी थी ये, तो कुछ समय बाद फिर इसको यूनिवर्सिटी का रूप दिया गया। तो इसमें ऐसा होता है कि गुरुकुल कांगड़ी में आपको मॉडर्न जो और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई थी सेम होती है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो सनातन धर्म आर्य समाज का जो नियम है उसके हिसाब से प्रतिदिन यज्ञ हवन सब होते हैं, और साथ ही साथ आपके सारे कोर्सेस चलते हैं। और जो उनका कंसेप्ट था कि उसमें गर्ल्स की पढ़ाई अलग, लड़कों की पढ़ाई अलग, तो उसी कंसेप्ट पे ये यूनिवर्सिटी रन की जा रही है, जिसके 3 कैंपस हैं। जैसे दिल्ली के नॉर्थ और साउथ कैंपस है, इसी तरह से यहाँ पर एक गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार, कन्या गुरुकुल कैंपस हरिद्वार, और सेकंड कैंपस कन्या गुरुकुल कैंपस देहरादून जिसमें मैं कार्यरत हूँ। तो ये कैंपसेस जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपकी एक वॉइस सुनाई थी, उसको दोबारा हम सुनना चाहेंगे। हैं सर। हाँ जी। सरिता जी, ये जो इसमें वॉइस थी, ये आपकी अपनी वॉइस है या फिर आपने गीत लिखा है इसमें? आप देख रहे हैं किन्नौर अब तक पेज। आपने देखा कि हमारे सरिता जो नेगी जी है, उनका किस प्रकार से संगीत में जो है यात्रा है। आइए हम चर्चा को बरकरार रखेंगे, हालांकि थोड़ी सी उनकी दिक्कत आ रही है। अच्छा सरिता जी, ये जो अभी आपने ऑडियो है, ये जो आपकी ऑडियो है, ये आपकी वॉइस आपकी अपनी वॉइस है? जी सर, जी जी और मैं सर मेरा, बताना, हाँ जी मैं हाँ जी आपको रुकिए थोड़ा बताना चाहता जी हूँ। जी 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 और जी मैं खुद संगीत लाइन से, हालांकि मैं सिंगर नहीं हूँ, म्यूजिशियन नहीं हूँ, मैं साउंड ऑपरेटर हूँ और जी डीजे जी टेंट जी चलाता हूँ। और मैं जी काफी जी सालों से संगीत से ये गाना भी सुनते आ रहा हूँ, लेकिन मुझे जी पता नहीं था कि ये आपने गाया है, बहुत हाँ बेहतरीन गाया है। तो थैंक यू सर थोड़ा सा इस एल्बम के बारे में जिक्र करें, ये पहली जी एल्बम जरूर है या ये जी उसके जी बाद की एल्बम है? सर, ये मेरी पहली एल्बम है। जब मैं अपना एमफिल थीसिस के लिए किन्नौर आई थी, 2010 की बात है सर ये, तो उस समय पर ये सागर म्यूजिक है जो
उनसे मेरी बात हुई थी बहुत टाइम पहले से ही, जो सागर म्यूजिक के मेन वो हैं सागर जी। उन्होंने काफी समय से कह रहे थे कि रिकॉर्ड करना है कुछ ऐसे, इस तरह से करना चाह रहा हूँ मैं। तो फिर मैंने कहा उनको कि मैं अपनी थीसिस के लिए आ रही हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा फील्ड वर्क है। तो ये पीओ में ही हुआ था, प्रभु नेगी जी ने इसका म्यूजिक दिया था। हालांकि इसके जो ओरिजिनल क्रिएटर और म्यूजिक म्यूजिशियन है वो सतीश नेगी जी हैं, जो मेरे मामा जी हैं, उनका ही गीत है ये, उन्होंने ही लिखा है और संगीतबद्ध भी किया है। तो उसको नई तरीके से थोड़ा सा उसमें जो वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से वो करा, प्रभु जी ने करा। ये ड्यूरिंग मेरा फर्स्ट ही है जब मैं अपना थीसिस से रिलेटेड काम करने के लिए मैं किन्नौर आई थी। हाँ जी, तो इसमें जी और भी उस समय तो ज्यादा यूट्यूब का जमाना होता नहीं था, तब तो सीडीज आती थी। तो उस समय मैंने इस तरह से इसको मतलब एज अ वॉलंटियरिंग बेसिस पे मैंने इसको रिकॉर्ड किया था वहां पे। तो मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, रिस्पॉन्स भी अच्छा आया था जिन्होंने सुना है। बहुत अच्छा। जी जिस प्रकार से आपने संगीत में यात्रा किया है, तो क्या पार्टिसिपेट भी किया है? जैसे काफी लोग युवा जो है जी जैसे जी जी लवी में या अंतरराष्ट्रीय मेले ऐसे कई जगह जाते हैं, तो क्या आपको ऐसे जगह में मौका मिला है? सर, लवी और इस तरह की चीजों में तो आज तक मैंने कभी इस तरह का मुझे मौका नहीं मिल पाया। परंतु मैं कह रही हूँ बीइंग किन्नौरी, मैं किन्नौर में इतनी नहीं होंगी जितना मेरा बाहर ज्यादा पार्टिसिपेशन रहा है, क्योंकि जब भी इस तरह से रहता था तो मैं बाहर ही रहती थी। तो ज्यादा और मंचों पे मुझे काफी मौका मिला, चंडीगढ़ हो गया या फिर अपने यूनिवर्सिटी के लिटरेचर फेस्टिवल है, यूनिवर्सिटी है कुछ और इस तरह से, आपकी तरह किन्नौर अब तक का पेज, इस तरह के कोरोना के समय बहुत सारे पेजेस पे मुझे इस जी तरह से वार्ता का मौका मिला, जो मैंने बताया था अभी कि संस्कार भारती हो गया इस तरह। तो मेरा कोशिश रहता है हमेशा हिमाचल के पे ही परिचर्चा हो, जिसमें हिमाचली म्यूजिक के साथ साथ किन्नौरी दोनों कनेक्ट करके मैं हमेशा इस तरह से संवाद रहे हैं। जी तो मैं आपने चाहूंगी कि इन फ्यूचर अगर मुझे मौका मिले तो मैं जरूर जरूर अपनी जी मतलब मातृभूमि में परफॉर्म करना चाहूंगी सर। जी बहुत बेहतरीन। जी मैं चाहता हूं कि दर्शक आपके जो है, चाहे हिंदी हो, पंजाबी हो या फिर देशभक्ति, कोई भी गाना आपसे सुने, आपके लिए पुनः स्वागत। ठीक है सर। तो सर एक फोक सॉन्ग है, हालांकि ये कोरोना के समय में मैंने थोड़ा सा कंपोज और लिखने की कोशिश करी थी, पहाड़ी में ही जी है। हाँ जी। बरसे बदरवा हो, बरसे बदरवा हो, बरसे बदरवा हो, बरसे बदरवा हो, नन्ही नन्ही बूंदना बरसे, नन्ही नन्ही बूंदना बरसे, बरसे बदरवा हो। मैं तो पी के बरस की दीवानी, मैं तो पी के बरस की दीवानी, कब आएंगे मोरे प्रीतम हो, बरसे बदरवा हो, बरसे बदरवा हो। धन्यवाद बहुत खूब। जी सर। ये कोरोना जब हुआ था 2020 में, तो मैं इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करती थी, तो इंस्टाग्राम पे कोरोना के समय मुझे याद है अप्रैल में मैंने ये थोड़ा सा वर्ड्स थे तो पहाड़ी राग में थोड़ा कंपोज करके तब डाला था। जी सर। सरिता जी, कोरोना ने लोगों को बहुत कुछ सिखाया, और मैं बताना चाहता हूँ ये जो पेज बना है किन्नौर, अब तक ये भी उसी कोरोना समय। की देन हाँ है। जी तो जी तब मैं बहुत शायद देखती थी। हाँ हाँ, तो जी क्या जी इस कोरोना का हम धन्यवाद करेंगे? अगर सही शायद में कोरोना नहीं आता, तो शायद हम भी इन गतिविधियों से नहीं होते, शायद वही ही रूट में और रूटीन में होते जो कर रहे होते हैं। तो कोरोना जी का भी हम सर। धन्यवाद करते हैं कि कोरोना में जी इतने साहित्यकार, इतने गीतकार और इतने जो है लेखक कवि जो है पैदा किए। तो जी बहुत बहुत जी आभार, जी आपने यहाँ पर जो है एक प्रस्तुति रखी।
तो जी जब भी सर, गायकी में जाते हैं हमारे किन्नौर में तो इतना रियाज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे को लय मिला होता है गोली को होना हयावे होना। तो जब जी आप शास्त्रीय या जो भी संगीत सीखते हैं तो बहुत जी रियाज करना पड़ता है, आस पड़ोस वाले भी जरूर, जो है वो सही गालियां बात देते है। होंगे या परिवार भी, तो इस पर थोड़ा जिक्र करेंगे हाँ क्योंकि उनको तो जोर जोर के चिल्लाना है, थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश डालेंगे। घर हाँ से, घर से कैसे सपोर्ट मिलता था, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रियाज जी जी मांगता है, जी बहुत ऊंची जी आवाज जी में जोर जोर का सुबह उठ कर ही आपको रियाज करना है, ऐसे कई मैंने देखा है, इस पर थोड़ा सा प्रतिक्रिया करें। सर, आपने ये बात सही तो कही, पर मैं अपने आप को ब्लेस सोचती हूँ कि मेरी फैमिली में कभी मुझे इस तरह की चीजों से मुझे फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि पता था कि ये संगीत है, रियाज करना है, तो वो हैबिचुअल थे, अपना एक कमरे में किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन मैं जब यहाँ देहरादून में भी आई थी, तो मैं आस पड़ोस में भी शुरू में थोड़ा उनको लगा कि ये क्या हो रहा है, पर मेरे तो मतलब मैं लकी समझती हूँ कि आस पड़ोस में मुझे अच्छा ही मिला, कि नहीं अच्छी आवाज आती है। मान लो कभी किसी दिन मैं दरवाजा, ठंड में है तो दरवाजा हल्का सा मतलब खिड़की नहीं खुलती, बंद करके कर रही हूँ रियाज, तो पड़ोस में आंटी पूछती, सरिता आज रियाज नहीं हो? मैंने कहा नहीं आंटी, हुआ, पर अच्छा आज खिड़की बंद होगी, तो वो पूछते थे कि आज रियाज नहीं, मैंने कहा हुआ है, पर ऐसे हुआ है। तो मैं बहुत पॉजिटिव रही, इस लकी रही है इस मामले में, कि मुझे आस पड़ोस हो, चाहे फ्रेंड्स हो, पेरेंट्स हो, मेरी सिस्टर्स हैं जो है, सबका बहुत सपोर्ट रहा है, तो इस तरह की रियाज करने के उसमें मुझे कभी प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। जी बहुत जी बेहतरीन। जब भी रियाज करते हैं तो कोई जी ऐसे है जो आपके रियाज में आकर सुनना पसंद करते हैं, जैसे बच्चे हैं या पड़ोसी है, कोई ऐसे जो शौक रखते हो मेरे आपके साथ में? जी सर, मैं तो जब पहले मतलब मैं मेरी जो लैंड लेडी थी, अब तो हालांकि मैं अपने घर में शिफ्ट हो गई हूँ, यहाँ पे भगवान की दया से अपना बन गया यहाँ पे देहरादून में, तो उस समय वो जरूर सुनती थी। वो मतलब रियाज के समय में जब आप एक होता है कि जब आप एकाग्रता में अपना रियाज करें, तो बीच में थोड़ा भी कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता है, जिसको पता है कि भाई रियाज हो रहा तो कोई आवाज नहीं करनी, वो चुपचाप से बाहर खड़े खड़े अपनी सीढ़ियों से उतर के मेरे दरवाजे के पास या फिर अपने साइड में बैठ करके वो सुनती थी। या फिर कॉलेज में कभी रियाज कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स भी दबे पांव आके बैठ जाएंगे, हम कर रहे हैं तो चुपचाप सुनते रहेंगे, जब तक कुछ नहीं हो रहा है, मतलब जब तक मतलब खत्म नहीं हो रहा, वो आराम से बैठ के उस चीज को एंजॉय करते हैं। तो ये चीजें मैंने फेस करी है। जी जी सरिता जी, जब भी संगीत का शिक्षा लेते हैं तो जी जी संगीत की शिक्षा कॉलेज लेवल की अलग होती है, स्टेज लेवल की अलग होती है। स्टेज में आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, जी जी बहुत जी सारी चीजों का। एक एक यहाँ पर आपको प्रतिक्रिया आई है कि बीड़ू पाको बारह मास, बारह अगर ये गीत मास, आता हो तो हाँ आता है जी थोड़ा आपको? सा, जी, थोड़ा तो बहुत चलिए आता है, थोड़ा सा हाँ इसे, जी, जरूर तो मैंने जरूर जरूर इसीलिए सर, जिक्र किया क्योंकि संगीत की अलग होती है और स्टेज का, आप स्टेज से जुड़े नहीं है जी जी तभी मैं जी जी आपसे ये कह रहा था, तो जी जी नहीं स्वागत है सर, ये आपका। तो है। बेड़ू पाको बारह मासा, बेड़ू पाको बारह मासा, नरनी नरनी का फल पाको चेता मेरी छेला, नरनी का फल पाको चेता मेरी छेला, बेड़ू पाको बारह मासा, बेड़ू पाको बारह मासा, नरना नरना का फल पाको चेता मेरी छेला। ये तो उत्तराखंड का बहुत ही फेमस, जिसे कहते हैं एक और सिग्नेचर मैं फोक बताना सॉन्ग चाहता है। हूँ, जी मेरा जी भी बहुत फेवरेट गाना है, मैं जी भी जी बहुत जी बचपन में गुनगुनाता था। जी 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 मैं बेडू नहीं बोलता, मैं फेडू पाके बोलता था। मुझे पता हाँ लगा कि आज, मुझे जी आज पता लगा कि ये बेडू पाके हुआ। तो चलिए बहुत जी बेहतरीन आपने यहाँ प्रस्तुति, अपने लोक पर्व के बारे में बात बात किया है, किन्नौर के लोक जी पर्व जी जी गीत जी है, जी तो जी 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 कोई ऐसा जैसे आपका पुलियाच का गाना हो, ऐराचंग का गाना हो, या फिर कोई भी ऐसा गाना हो तो जो जी सर, हमारा पर्व जरूर से जुड़ा जरूर हो। जरूर जी स्वागत है आपका। जरूर जरूर। तो सर, जैसे आप पर्वों की गीतों की बात करते हैं, तो मैं चाहूंगी कि मैं अपने ही पुरबनी गांव का, हमारा एक बीच का गीथंग है बैसाखी गीत, वो बहुत ही जी मशहूर है, उसे जरूर गुनगुना चाहूंगी।
तो इस जो बीज के तंग है ये हमारे किन्नौर में बैसाखी हर जगह मनाई जाती है, परंतु जो हमारे गांव की बैसाखी वो 3 दिन मनाई जाती है। तो ये जो गीत मैं गाने जा रही हूँ ये तीसरे दिन गाया जाता है, तो इसमें एक मनोविनोद के लिए ही गाया जाता है। तो एक तरह से उसमें एक्ट करते हैं कि भाई कुछ शेर बनेंगे, कुछ उसका शिकार करेंगे, तो उसी से रिलेटेड ये सॉन्ग है। कोनी कम मुझो गुंगाती ले, कोनी कम मुझो गुंगाती, कोनी कम मुझो गुंगाती ले, कोनी कम मुझो गुंगाती, सापती बनो गुंगाती ले, सापती बनो गुंगाती, बैठो वानी सा गुंगाती ले, बैठो वानी सा गुंगाती, सुतो वानी सा गुंगाती ले, सुतो वानी सा गुंगाती, उठो वानी सा गुंगाती ले, उठो वानी सा गुंगाती, सालो वानी सा गुंगाती ले, सालो वानी सा गुंगाती, माची माची से फोमा से ले, थारे बतो था व्यंग्री, माची माची से फोमा से ले, थारे बतो था व्यंग्री, पानं सो रक्षी लीले, नालं सो ती तुंगरई, पानं सो रक्षी लीले, नालं सो ती तुंगरई, कोमोली कोमो फोमा से ले, बेरिंगे बेरिंग फोमा से। बहुत खूब बहुत खूब। मैं जी बताना चाहता हूँ कि अगर इस गाने में आप नृत्य देखेंगे ना तो देखने लायक होता है। ये थोड़ा जी 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 अलग जी प्रकार का इसका रिदम होता है जी जी डांस का जी भी, जी 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 और थोड़ा इसमें नाचने का भी सा बहुत ही आनंद आता है। और इस प्रकार के गाने आप बहुत ही देखने को मिलता है। हाँ जी मैंने आज से इस गाने का जो डांस है, जो इस गाने में डांस है, शायद 10-12 साल पहले सुना था इस गाने का डांस, जो बहुत बड़े मजेदार का इसमें डांस होता है। जी जी बहुत जी बेहतरीन आपने प्रस्तुति की, लेकिन आपकी जो इसमें वॉइस रिकॉर्ड है इसको हम सुनाना चाहेंगे। जी तो सरिता जी, मैं स्वयं जो है इस गाने को मैंने काफी जो है इसकी प्रस्तुति में जो डांस है बहुत ही हाँ लुत्फ देखा। और एक चीज मुझे शायद लग रहा है कि जो किन्नौर के जो संगीत में जो टेम्पो फास्ट हुआ, शायद इसी गाने से गाने के बाद सुनिए, क्योंकि अब जो है बहुत जी टेम्पो फास्ट के गाने होते हैं। थोड़ा जी आप जी बताएंगे जी कि क्योंकि इसमें भी टेम्पो बहुत आनंदित टेम्पो है। तो जी वर्तमान में अब इस प्रकार के गाने हमारे को देखने को नहीं मिल रहा है, और लेकिन इसी प्रकार के टेम्पो में बहुत सारे गाने जो है नए निकले हैं, उस पर क्या जिक्र करना चाहेंगे? क्योंकि उसमें गाने किन्नौरी कहते हैं, उसमें हिंदी भी लगा है और आपका पंजाबी भी है, और सब चीजों को मिक्स करके जो है किन्नौरी कहा गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे किन्नौर में क्या भविष्य में आपको लगता है? आपने तो बुक्स बनाया है, जी जी संजोया है, जी आपकी बुक्स शायद सब तक पहुंच जाए, खासकर गीतकारों तक। उनसे अपील करते हैं कि सरिता मैम जी का नंबर लेकर जो है उनका जो बुक्स है उनकी कॉपी जरूर लें, ताकि जो है हमारे जितने भी गाने हैं वो संरक्षित रह सके। थोड़ा जी सा ये जो आधुनिक गाने, देखिए आपने हमारे किन्नौर की ही वेशभाषा में, किन्नौर के ही जो हमारे शब्दों में बहुत बेहतरीन फास्ट और टेम्पो रहित गाना गाया, और ऐसे आजकल गाने नहीं है, हालांकि उसमें तोड़ मरोड़ किया गया, उस पर आप थोड़े से जी जी जिक्र जी करें। जी 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 हाँ सर, ज्यादा तो मैं ऐसे नहीं इसमें कोई प्रतिक्रिया देती हूँ, पर ठीक है, समय के अनुसार चेंजेस जरूरी होते हैं, परंतु हमें उसके साथ साथ जो हमारी पुरानी चीजें हैं अगर हम उसको बरकरार रख करके उस चेंजेस उसके साथ बरकरार के चेंजेस कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है।
क्योंकि पर ज्यादातर आजकल हम देखते हैं पर कि इस तरह से बहुत सारे सिंगर्स हैं, जैसे केदार नेगी जी आपने बताया, इस तरह के बहुत सारे सिंगर, एटलीस्ट कहीं ना कहीं ये लोग तो इस चीज को मेंटेन रख रहे हैं। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि इस तरह के सिंगर्स आने चाहिए जो नई चीजें आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, कोई बुराई नहीं उसमें, परंतु पुरानी चीजों को भी साथ लेकर के, ताकि वो एक प्रिजर्व हो सके। तो यही चीज मेरे मन में, मेरे को लगा था कि एज अ बीइंग किन्नौरी हूँ चाहे जो भी, ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं एटलीस्ट इन चीजों को बुक रूपी में, बल्कि मैंने स्वरलिपि भी डाली उसमें, जो संगीत के जानने वाले होंगे तो स्वरलिपि के साथ बकायदा राग भी मैंने गुणीजनों से पूछ करके उसमें उसको उसकी विवेचना की है। तो मुझे लगता है कि ये हेल्पफुल रहा भी है। बहुत से मेरे पास रिसर्च स्कॉलर्स भी आए, बहुत से प्रोफेसर्स भी आए, उनका फोन आया जब उन्होंने कुछ भी इस किन्नौरी म्यूजिक हो, चाहे किन्नौरी लैंग्वेज हो या फिर फोक टेल्स पे काम किया है, जैसे चाहे इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं, साहित्य ऐसे हैं, तो लोग काम कर रहे हैं। तो वहां पर ये मेरी जो बुक है वो फलीभूत हुई है, क्योंकि काफी कॉन्टेक्ट्स मेरे को फोन आए थे कि हमें पता लगा ऐसे है तो हम इसको करना चाहेंगे। तो मुझे काफी खुशी हुई कि लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर मैं नहीं कह सकती कि कोई ये चीज बुरी भी है, परंतु अगर हम अपनी पुरानी चीजों को, पुराने गीतों को भी साथ ही साथ साइमल्टेनियसली उसको भी साथ में रखते हुए कोई नई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं। क्योंकि देखिए हमारा जो म्यूजिक है दैट इज लैंग्वेज बार्ड, क्योंकि अगर बाहर उसको फेमस करना है, मान लो बाहर के लोग हैं तो लैंग्वेज नहीं समझते, तो कहीं ना कहीं कुछ गीत तो ऐसे बनाने पड़ेंगे जो उससे उस शायद पुराने जो भी गीत है उसको कहीं ना कहीं उसको अट्रैक्ट करे। तो पर मैं ये कहती हूँ कि अगर आप कोई नई चीज कर रहे हो तो उसमें हमारे ट्रेडिशनल जो पुराने वो है उसको बिना हानि पहुंचाए अगर उसमें नयापन लाना है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जी तो बिल्कुल इसीलिए मैं इस क्षेत्र में थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ कि मेरे तो हर साल जो आर्टिकल भी रहते हैं, एक मेरा संगीत पे रहता है, किन्नौरी संगीत पे जरूर रहता है। जब तक हम एटलीस्ट इस क्षेत्र में, तो हम तो करें, तो एक इंडिविजुअल करेगा तो धीरे धीरे सब कर ही रहे होंगे, ऐसा भी नहीं है, जी परंतु जो बहुत कुछ। नयापन भी है। जी सरिता जी, सरिता जी, मैं मुझे ये इस चीज का ज्यादा ज्ञान नहीं था, क्योंकि मुझे जी आपसे आज ही ज्यादा जी परिचित जी जी हो जी पाया जी जी हूँ। जी जी हमारे जी साहित्यकारों का एक समूह है, लेखक समूह, जी मैं खुद जी उसका एडमिन हूँ। मैं उसमें आपको एडमिन कर जी लूंगा जी ताकि हम भी आपसे कुछ जी सीखे, जी जी सर ताकि मेरा जो हम सौभाग्य है, वो जी तो मेरा जी सौभाग्य है। जी तो यहाँ पर जी हमारे आज के अतिथि महोदया ने कहा कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उसके साथ साथ हमारे जो पारंपरिक है उसको भी बनाए रखना है। तो आपने बहुत कम लोग शायद जानते कि आप रेडियो आर्टिस्ट भी जी हो, इसके आर्टिस्ट भी बारे हूँ में मैं, थोड़ा अगर वो जो थोड़ा रेगुलर सा। रेडियो सुनते होंगे ना सर। हाँ रेडियो जी मैंने जी ज्वाइन किया था काफी लेट, 9 या 7 8 में किया था, क्योंकि मैं ज्यादा बाहर ही रही, क्योंकि रेडियो का कब फॉर्म आता है जाता है पता नहीं चलता है। ये भी मेरे, जब मैंने थीसिस शायद किन्नौरी लोक संगीत पे काम करना ही शायद मेरे को इन चीजों से जोड़ना होगा कि कहाँ मुझे पता चल रहा है, कहाँ चीजें मिल रही है, ऐसा नहीं काम हुआ हुआ है। जब मैं संगीत नाटक एकेडमी में गई, वहाँ के आर्काइव्स में काफी चीजें प्रिजर्व है, हालांकि वो सीरीज थोड़ी वैसी स्थिति में है, फिर भी वहां पर एक दो मतलब चीजें, मतलब पुरानी चीजें रखी हुई हैं। तो मैंने सारा वहां संग्रहालय भी देखा, आर्काइव्स में हमारे किन्नौरी जो पुराने गीत है, कुछ कुछ उसमें माइम जी है, चाहे दूसरे और भी हैं सिंगर्स, उनके वहाँ प्रिजर्व है। तो वैसी बुक्स मुझे संगीत पे कम मिली, हिस्ट्री पे बहुत बुक्स है, जैसे बंशी राम शर्मा जी है आपके लोक साहित्य, उन्होंने लिखा है किन्नौर का, किन्नौरी लोकगीत शरभ नेगी जी है, उन्होंने भी काफी लोकोक्तियों पे गीत लिखे हैं, मतलब रिटन में है, बंशी राम शर्मा जी ने लिखा है, उन्हीं का ही उन्होंने फिर टेक दी है, उसी कोई उसका चेंज करके, एक है ताशी छेरिंग जी है जो उन्होंने उसको दोबारा चेंज करके बनाया है। तो जब मैं पीओ भी आई, शिमला भी आई, हिस्ट्री और इस पे काफी काम हुआ है, परंतु संगीत पे कम काम था। तो मेरा संगीत पे काम करने का ही यही मकसद था कि इस चीज को हम आगे तक ले जाएं, कि भी एटलीस्ट किन्नौर में भी कोई किन्नौर भी जगह है पता तो चले है, नहीं तो किन्नौर नहीं पता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में शायद ये फर्स्ट थीसिस और बुक होगी जब मैं गई थी, तो फिर इस चीज में काम करने को चैलेंजेस भी है पर मजा भी है, क्योंकि बहुत हमारे संगीत में बहुत सी चीजें हैं। अभी भी मैं देखती हूँ कि अभी उस समय तो हमें एक थीसिस में तो थोड़ा पर्टिकुलर आपको 200 300 ऐसे पेज का लिखना है, परंतु जब आप उसमें और काम करेंगे, डेप्थ में जाएंगे, तो बहुत सी जानकारियां हैं किन्नौर में, कितने पुराने गाने हैं, तो पुराने आपके कहावतें हैं, या फिर बहुत से गाने ऐसे भी हैं लोगों को नहीं पता है। अब शुमसो इस बार मेरा, जो मैं देखती हूँ कि मैं यूट्यूब काफी देखती हूँ व्लॉग्स,
तो खास करके मैंने जब अभी लोसर का बहुत सारे व्लॉग्स देखे तो मेरा वो वाला क्षेत्र छूटा हुआ था, मतलब बाहर बाहर से तो मैंने उसमें कर लिया था, परंतु मैं सोचती हूँ कि एक पर्टिकुलर रीजन के भी वहाँ सॉन्ग्स हैं, हम केवल लोसर के गीत लेके भी करेंगे तो हमें बहुत सारे गीतों की वेराइटीज मिलेंगी। जैसे शुमसो में आपका कानम लाबरंग स्पीलो करला ये आता है, शुमसो में जहाँ थेबस का बोला जाता है, तो उनके उनकी लोक भाषा या जो उनका लोक जो जो वहाँ पे देबर्स काद में भी बहुत से गीत हैं, लोसर के गीत ही बहुत हैं, तो ऐसे ही उनके उखेंगेथंग भी होंगे। तो एक इससे हमें डायलेक्ट डिफरेंट डायलेक्ट्स में हमें गीत मिल सकते हैं। अब अपर है पूरा पू है, हांगरंग वैली है, वो भी अछूता है, उस समय तो मैं कुछ गीत ले लिया, उनके मांगलिक गीत है काफी सारे हैं। अगर हम पर्टिकुलर किन्नौर के क्षेत्र भी लेंगे फिर भी बहुत से बहुत बहुत अतः मतलब वहां पे चीजें हैं जिसपे हम काम कर सकते हैं। जी तो मैं जी सर जी आपने बहुत कहा कि सुमचो के बारे में कहा, ऐसे जी हमारे यहाँ पर मैं आपको गिनाना चाहता हूँ, 15-20, 18-20, फिर आपका पगरामंग, जी 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 अजगरामंग, जी सब जी सब कुमो सब टुप्पा, जगह बारिंग टुप्पा, सुमचो, ऐसे जी कई हमारे एरिया के अलग अलग गाने जी है जो जी हर 5 किलोमीटर के बाद बहुत सारी कथाएं सुनने को वेराइटीज मिलता है है। जी जी हम जी अभी थोड़ा सा और चर्चा जारी हो सकता है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर एक सौरभ नव हारिया जी कहते हैं कि मैं लगातार पिछले कई सालों से सोशल मीडिया पर इनसे जुड़ा हूँ, आपसे कहने का मतलब इनकी मेहनत को इनकी मेहनत और प्रयास शानदार है, तो इन्होंने कहा है जी जी थैंक यू सो शायद मच सर, आपके। थैंक जी यू, होंगे 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 जी अच्छा, सर, थैंक यू सो मच। सरिता जी कुछ चीजें देखिए, मैं हमारे किन्नौर के अंदर में मैं एक चीज देखना मतलब थोड़ा समझना चाहता हूँ, हमारे गीतकार तो लिखते भी है जी लेकिन पारंपरिक और लोकगीतों को देखा जाए तो भजन चीजें नहीं दिखी गई है, मतलब त्योहार के गाने हैं, ऐसा कोई जी जी है जो जी जी भजन टाइप का जुड़ा हुआ हो, हालांकि बेला सबेला का जो सांगीतंग है वो थोड़ा सा हमारा भजन से रिलेटिव जुड़ा हुआ है, वो बेला का है, कोई जी सायकाल जी का कोई ऐसा चीज है जो हमारे पूर्वज जो है उसको गाते होंगे। सर अभी तक तो मुझे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो शायद अगर हम इसकी तरफ और डेप्थ में जाए तो मिल सकता है। तो जितना मैंने अभी तक काम किया तो ये चीज सायंकाल का तो मुझे अभी तक कोई गीत नहीं मिला है, वही पर्व संगीतंग हो गया आपका, इस तरह से गीत ज्यादा है जी मुझे जी भी इस चीज का जी ज्यादा परिचित नहीं है, तभी मैं ये जी जी कह रहा जी था आपसे कहीं सायकाल का मिला हो, क्योंकि जी संगीतन का जिक्र तो संगीतन सभी तो जगह है जी होता है, जी जी वो जी जी भक्ति से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो शाम जी का जो भक्ति है वो कहीं नहीं दिखा। तो चलिए एक पारंपरिक गीत आपसे सुनना चाहेंगे, उसके बाद हम थोड़ा जी सा और चर्चा करेंगे, फिर इस एपिसोड को विराम देंगे। एक पारंपरिक जी गीत, जी स्वागत जी है आपका। चलो। पारंपरिक गीत से मैं एक गाना चाहूंगी, उखियंग थंग केशो ख्यांग होले ब्युगले बाला दूरे केशो ख्यांग ब्युग बाला दूरे ली होले जुगले इन द्रोमंग केशो ख्यांगले होली बंगी शाली कांगो की शो ख्यांग जी जी बहुत बेहतरीन। जैसे जी उखैन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ये है कि ये जो है हमारा जी जो सरान से शुरू होता है, रूपी से होता जी जी हुआ, जी 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 और लास्ट जो है शायद भावा में खत्म होता है, भावा में हाँ जी। कुछ तो हाँ इस सर प्रकार इसी का में है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, जो हमारे पुरपनी में उखेंगेथंग एक तो ये सब में फेमस है, हमारा थोड़ा सा एक दूसरा जब वो फूल लेने जाते हैं ऊपर पर्वतों में लोग, फूल उखेंग से पहले एक दो दिन पहले फूल लाने का भी गीत होता है वहां पे,
तो मैं थोड़ा सा दो लाइन ही गुनगुनाना चाहूंगी। तो उसमें जो हमारे गांव में गाते हैं गाना, शायद और जगह भी होता होगा। सुनो लियो हो ले राजो चारसी सियाली, सुनो लियो दशुन्या गो हो ले ओलो बिमुयाली, दशुन्या गो रेदरु ओमची होली उपाय ते सुछांगा होली रेदरु ओमची। इस तरह से ये गीत भी एक उखेंगे का ही है ये। जी, बहुत बेहतरीन। एक प्रतिक्रिया आई है दीक्षा भटनागर का कि किन्नौर जैसी छोटी जगह। मैं एक चीज बताता हूँ, ये चीज बताया क्यों गया, मैं आपको बताता। जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम ट्राइबल एरिया से आते हैं, जी जी तो हमारे को जो एक गर्व फील होता है कि जनजातीय क्षेत्र से जब हम बाहर जाते हैं तो कुछ लोग हमारे को प्यार करते, कुछ लोग नहीं भी करते, ये आदिवासी टाइप का। लेकिन जी जी वहाँ जी जी अपने आप जी को एक जगह बनाना एक जी काबिलियत तारीफ होता है कि वहां पर आ, आ, इस प्रकार के एक प्रतिभा को दिखाना और अपने काबिलियत को दिखाना। तो यहाँ कहा गया कि किन्नौर जैसी छोटी जगह से दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचकर ना सिर्फ एमए एमफिल बल्कि पीएचडी भी करना और इनके साथ ही यूजीसी नेट और जेआरएफ और एफआरएफ उत्तीर्ण कर देहरादून कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होना इसमें से कुछ भी आसान नहीं है, परंतु सरिता की काबिलियत और बड़े बड़ों की आशीर्वाद से ये संभव हो पाया है। ईश्वर आपको बुरी नजर से बचाए। तो ये आपके लिए थैंक यू, शुभकामनाएं धन्यवाद दी है। तो ये भी ईश्वर। जी थोड़ा सा आप जिक्र करेंगे, जब भी आप हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो जी किस प्रकार का प्राउड फील करते हैं आप? सर, मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ जिसका जिसकी अपनी एक पहचान है। बीइंग अ ट्राइबल, ट्राइबल लोग मतलब बहुत शुरू में, जैसे मैं थोड़ा बीएड कर रही थी, एक बार मैंने बीए के बाद बीएड किया था। हालांकि हमारे जो हिमाचल के मंडी क्षेत्र का ही हमारी क्लास में एक लड़का था, हालांकि बाद में वो जो हमारा अच्छा फ्रेंड बना वो सरका घाट से था, तो वो ट्राइबल और ये चीजों में समझ नहीं पाता था कि क्या है। मैंने कहा ये सब चीजें नहीं है। जब मैंने उसको क्लैरिफाई किया, ट्राइबल्स अलग होते हैं तुम अलग, ये नहीं है। ट्राइबल एक ट्राइबल ऐसा होता है जनजातीय क्षेत्र जिसकी अपनी पहचान है। आप लोग तो कहीं से सेटल हुए हुए शहरों में हैं, तो वो कोई प्राउड फील वाली बात नहीं है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को अभी भी संजोए हुए हैं। ट्राइबल्स कहीं भी होंगे, वो अपनी संस्कृति को, अपनी जितनी भी चीजें हैं वो अभी भी संरक्षित है। तभी हमें तो बीइंग किनौरा वी आर प्राउड ऑफ आर सेल्फ, कि मुझे तो जी बहुत प्राउड फील होता था। मैं कभी भी शिमला नहीं कहती थी, जब किसी को नहीं समझ आता किन्नौर दिल्ली में सब अच्छे से वाकिफ है, जी ज्यादा बहुत नहीं तो खूब। एप्पल क्षेत्र सेब क्षेत्र बोल दो सबको पता लग ही जाता है। तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि हम शिमला से, ना मैं किन्नौर से हूँ, कहाँ से, हिमाचल से, नहीं पता लगेगा शिमला से आगे। अब तो किन्नौर बहुत लोगों को पता है, तो मैंने नहीं, कभी भी अब शिमला शिमला करके मैं कभी किसी को अपना इंट्रोडक्शन एक नहीं दिया चीज सर। बताना चाहता हूँ। तकरीबन ज्यादातर लोग शिमला को कम और किन्नौर को ज्यादा जानते हैं क्योंकि जी 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 टूरिज्म बहुत प्लेस सही, है। अब तो आप बहुत देखेंगे कि जानने लगे हैं। बंगाल से, आपके तमिलनाडु से, आपके केरला से सांगला आते हैं, चितकुल आते हैं, आपके काजा सब पूरा जगह घूमते हैं आपके। हालांकि सांगला की होली देखने स्पेशल जो है बाहर से जी आते जी हैं। जी 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 तो और दूसरी बात, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी परियोजना है। और दूसरी बात, जी ये जनजातीय क्षेत्र, ये जो हमारा जो जो हमारा किन्नौर है, ट्राइबल किन्नौर जो है, जब जी बर्फ ग्लेशियर आदि से जब कटता है तो कई सालों कई महीनों तक खुलता नहीं है, तो हम जी जो दूसरी दुनिया से कट जाते, तो इसलिए ये थोड़ा सा जनजातीय को अलग मतलब ट्राइबल करा गया, क्योंकि यहाँ पर खान पान की मुश्किल होती है जब भी ऐसी विकट परिस्थितियों में, जी और जी जी कई महीनों के बाद फिर जुड़ पाता है संचार से, बिजली से, रोड से, सड़क से। तो इसीलिए कहा गया कि छोटे मतलब यहाँ पर एक प्रतिक्रिया आई थी कि जी किन्नौर जैसी छोटी जगह, इसलिए कि हम यहाँ पर प्राकृतिक चीजों से या फिर प्राकृतिक आपदा से और भारत जैसी चीजों हमारे देश से कट जाते हैं। तो बहुत बहुत जी आभार। जाते जाते कुछ देशभक्ति गीत, आज हमारा जो गणतंत्र दिवस है, तो इस पर अब आपको मैं 5-10 मिनट जो है आप लगातार कोई गाकर ही सुनाएं, उसके बाद फिर हम अलविदा देंगे। स्वागत है पुनः आपका। ठीक है सर, ठीक है। जी भारत मेरा भारत, भारत प्यारा भारत,
भारत प्यारा भारत, हिम शिखर सा हिमालय, पर्वत ऊंची चोटी सा भारत मेरा भारत, भारत प्यारा भारत, भारत मेरा भारत, भारत प्यारा भारत। कन्याकुमारी से कश्मीर तक सुंदर इसकी वादियां हैं, भारत मेरा भारत, भारत प्यारा भारत, भारत मेरा भारत, भारत प्यारा भारत, भारत के नए 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 रूप हैं, कहीं होली कहीं दिवाली, इसके बिखरे कई रूपों में एक स्वरूप है भारत में, भारत मेरा भारत, भारत प्यारा भारत, भारत मेरा भारत, भारत प्यारा भारत। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति। और हालांकि दो बार हमने कोशिश की आपके साथ एपिसोड रखने की, और लेकिन कोई बात नहीं सर। आज भी टलने के कगार में था, लेकिन जी 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 नेटवर्क जी की व्यवस्था ठीक रही। वो तो कहते हैं ना हमारे सर, जो देर देर आए जी दुरुस्त आए, जब जब होना है जी तभी होना है, और आज तो इतना शुभ दिन है। हमारे जी जी हमारे किन्नौर में जो बेटियां हैं जी तकरीबन वो खुलकर जो है आगे आना नहीं चाहते। हालांकि आजकल अब सोशल मीडिया में रील्स में ज्यादा जी काम जी करे जी ऐसा जी कुछ जी नहीं जी है, जी जी डांसिंग में रील्स में मैंने देखा है, लेकिन प्रॉपरली हम बेस चाहते हैं। जैसे संगीत का एक संगीत आजकल अगर देखा जाए तो दो तीन प्रकार से आपका व्यवसाय भी है, जॉब भी है। अब पहले तो माता पिता गाली देते थे कि इस लाइन में क्यों जाना, अब तो सोशल मीडिया के द्वारा अब गांव गांव में घर 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 तक जो है नेटवर्क टीवी भी गया हुआ है, तो काफी लोग अब जो है एक्टिव हो चुके हैं। माँ बाप अपने बच्चों को प्रोत्साहन करते, लेकिन बेटियां थोड़ी सी जो है मतलब कहते हैं ना कि आजीविका को लेकर अगर संगीत में आना चाहे तो उन्हें सही दिशा दशा का ज्ञान नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, कोई भी अगर आप स्ट्रीम चुन रहे हैं तो उसको सही गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। और संगीत का क्षेत्र तो ऐसा अथाह महासागर है, उसमें तो इतने ब्रांचेस है काम करने के लिए। आप चाहे इसमें एज अ टीचर बने, चाहे आप उसमें प्रोफेशनल सिंगर बने, इतने इसकी इतनी अथाह इसकी ब्रांचेस है संगीत में। मैं देखती हूँ, जैसे मेरा था शुरू से कि एज अ परफॉर्मर बनना है मान लो, तो अब फिर आपको फिर ये कई लोग तो दोनों चीजें भी साथ करते हैं। तो मेरा शुरू में मुझे समझ नहीं थी, बचपन में तो क्या था, प्लेबैक सिंगर बनना है, तब नहीं अकल होती थी कि आप प्लेबैक सिंगर बनना है बस ठीक है। पर जैसे जैसे बड़े होते गए, जैसे जैसे आपका मेच्योरिटी आती गई, नहीं इसमें ऐसा होता है, हालांकि इसमें तो मेरे घर वालों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो मेरी बड़ी बहन है बिंदेश्वरी नेगी, वो दिल्ली में है, तो उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे कि नहीं तू अपने संगीत में ही परस्यू कर। बल्कि मैं 10th में अच्छे मार्क्स आए तो 11th में चलो साइंस कर लेते हैं, फिर पापा ने कहा नहीं तो अपना म्यूजिक ही कर, तो उसमें ठीक करेगी। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे को तो गाइडेंस मिली है। तो फिर आपको समझ भी आता है, ऐसा नहीं है कि आपको क्या नहीं करना है। आजकल तो बच्चे बहुत मेच्योर है, उनको पता है क्या करना है। हमारे समय में तो फिर भी इतनी मेच्योरिटी नहीं होती थी। तो मेरे परिवार का बहुत सहयोग रहा है मेरे आज के इस, मतलब जहां भी मैं आज हूँ भगवान की दया से, अभी हम तो कुछ नहीं है कर रहे हैं हम, तो परिवार हो, मेरी बहन हो, कोई भी है, मेरे फ्रेंड्स रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बल्कि तनवा नेगी है जिन्होंने मेरे थीसिस में बहुत हेल्प करा, फील्ड वर्क में, खास करके जब मैं एमफिल पीएचडी का काम कर रही थी, विद्यासागर नेगी जी मेरी
जो गाइड थी नजमा प्रवीण अहमद, और मेरे फ्रेंड्स जो अभी शायद सुन रहे हैं मुझे, दीक्षा, दिशा भटनागर, नीता पांडे और तृप्ति, गीतांजलि, ये सब अभी ऑस्ट्रेलिया में ही है, दोनों बाहर हैं, ये सब परफॉर्मर्स हैं। और एक तो जो दिशा भटनागर, ये इन्होंने अपना यहाँ पे पीएचडी प्लस वो उत्तराखंड का इन्होंने जो सेट होता है उसमें उन्होंने टॉप किया था। और नीता पांडे जो मेरी फ्रेंड है वो भी सूफी में बहुत अच्छा अपना करियर बना रही है। तो सब मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं, विपुल है, प्रशांत है, मेरे भाई है, भाभी, एवरीथिंग, और सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। और इसके अलावा भी बीइंग जो म्यूजिक के बाहर के भी फ्रेंड्स हैं, सबका सपोर्ट रहा है सर। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, अगर कोई, हम तो जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों को जरूर गाइड करती हूँ कुछ नहीं, तो आप जब बीए कर रहे हो तो मेरी एक अचीवमेंट है सर, क्योंकि मेरे को हार्डली यहाँ पे 5 साल हुए पढ़ाते हुए। तो मेरे साथ जो मेरी स्टूडेंट थी उसने बीए किया, साथ ही एमए किया, एमए करते करते, वो बिहार से थी, हॉस्टल में थी, एमए करते करते उसने वहां का पीजीटी निकाला, प्लस वो अभी 12th में म्यूजिक टीचर है। तो मेरे लिए तो क्या है कि मेरे स्टूडेंट आगे निकले तो वही हमारे लिए एक प्राउड फीलिंग होती है कि 10 में से भी एक बच्चा तो करेगा, क्योंकि हमारा दायित्व यही बनता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को गाइडेंस देते रहे। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तो उनके दिमाग में जाता ही है कि हाँ भाई ये नहीं, ये करना है। केवी की हर साल, केंद्रीय विद्यालय की हर साल म्यूजिक टीचर्स की बल्क में सीट्स आती है सर। नवोदय जी स्कूल है, और आपके इसी तरह से स्टेट पीजीटी, टीजीटी के म्यूजिक की अब तो बहुत सी पोस्ट आ रही है। एक समय था जब कम होता था, और आपका आगे अगर आप एमए करते हो तो केवल नेट करते ही आप एलिजिबल हो जाते हो म्यूजिक प्रोफेसर के लिए। अब तो पीएचडी भी आप साइड बाय साइड करो अपना, और केंद्रीय विद्यालय इस तरह के स्कूल्स, तो आप जैसे आप बीए कर रहे हो, अपना टेट क्लियर किया, साथ ही साथ आपका इसमें आपका डायरेक्ट आपका आप रिटर्न दो, उसके बाद आपका इंटरव्यू है। डीएसएसबी की हर साल निकलती है दिल्ली में, जो केवल रिटर्न बेसिस पे है। तो सर केवी भी मैंने क्रैक किया था, मैंने ज्वाइनिंग छोड़ी थी, बहुत बड़ा रिस्क लिया था साथ में, क्योंकि मेरा नेट जेआरएफ था पीएचडी करने के लिए। एक हाथ में मेरे पास केवी का, केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू लेटर था, एक हाथ में नेट विद जेआरएफ पीएचडी। तो मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, नहीं मुझे बहुत पहले पीएचडी करना है जी। तो कहीं ना कहीं ऊपर आपने वाला भी साथ देता है सर, जब आप मेहनत करते हो, देर से मिलता है जरूर मिलता है। तो हमारा आपके लिए बहुत दायित्व बहुत यही है बधाई, कि और जी आपके लिए बहुत बहुत बधाई। आपकी जो है दिन जी दुगनी रात चौगुनी ऐसे ही होते थैंक यू रहे। सर, अभी थोड़ी थैंक देर यू पहले जिक्र किया था हमने स्टार्टिंग में आदरणीय सुर कोकिला मायम जी का, जी 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 और मैं आपसे निवेदन करूंगा जब भी आप किन्नौर में आएंगे, उनके पास जिस दिन आएंगे तो मैं उनसे भी एक एपिसोड करवाना चाहता हूँ। हालांकि जरूर मैंने आस्ती जी से भी एक दो बार जिक्र किया और आदरणीय जी माता जी से भी जिक्र किया था, तो शायद जुड़ने का कुछ दिक्कत हो सकता है। जब आएंगे जी जी तो मुझे जरूर वो उनसे मुलाकात करवाएं, ताकि मैं उनके जरूर द्वारा भी जरूर एक जरूर। साक्षात्कार कराऊं। हालांकि सर अभी 2 दिन पहले यहीं होके गए हैं, वो विपश्यना ओ करके गए थे, तो फिर जी, अभी वो होके ही गए हैं। तो आजकल तो हमीरपुर गए हैं, उसके बाद किन्नौर आएंगे वो जी। तो अब हालांकि जाते मैं जाते एक उनके लिए, उनके लिए आप एक प्रस्तुति जी रखें अपनी मौसी के लिए। स्वागत जरूर लास्ट में जरूर जरूर जरूर। जी। ये गीत मेरे मामा जी ने ही बनाया है, सतीश नेगी जी ने। मैं दोनों को भी बहुत अथाह अपनी, मतलब थैंक्स तो कम है, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं उनसे उनसे संबंध रखती हूँ। तो शायद कहीं ना कहीं जो मेरे पे थोड़ा बहुत बीज अंकुरित हुआ है तो वहीं से ही आया है, कुछ मेरी मेहनत है। तो ये मामा जी ने ही बनाया था गाना। मांगोली फायू लो सुन सो, जांगोली फायू लो सुन सो, बेरंग दे सो दोखले गजो मियो नो मजंगू, ऐसी का ऐसी तो सलंब दो, कामनी महाराज दौलिंग चो निजाबेरंग ई चो की दाम तो इया छ की जाती छ तुम ती ई चो कानी सा चो, सुन सोली फायो लो सुन सो, सुन सोली फायो लो सुन
सो, मांगोली फायो लो सुन सो, जांगोली फायो लो सुन सो, जांगोली फायो लो सुन सो। धन्यवाद। बहुत खूब सतीश जी को और आदरणीय हुमायूं जी को भी इस पेज के द्वारा चाचा नमन दोनों को। और मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही उनसे भी हमारे इस पेज में मुलाकात हो। आज जी आपने सर, समय निकाला किन्नौर तक पेज के लिए, किन्नौर के लिए और किन्नौर की जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे तो? बस मैं यही कहूंगी जनता से, किन्नौर की जनता से, हालांकि वो लोग तो सब बहुत आजकल किन्नौर में जो चेंजेस हो रहे हैं, मैं यही सुझाव देना चाहूंगी, इसी तरह से अच्छी चीजों को लें, जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करें से करें। और क्या कहूँ, मतलब जो जिस क्षेत्र में अच्छा बढ़िया काम करेंगे उसको निरंतर करते रहें। और मेरा यही उनसे गुजारिश है, या फिर यही मेरी दुआ है कि सब इसी तरह स्वस्थ रहें, तभी हम अच्छी चीजें कर पाएंगे। जी जी तो धन्यवाद, शुभ रात्रि, आपने समय निकाला, फिर कभी आपको जी जरूर सर, लेंगे, क्योंकि आपको हमारा बहुत सारे भजन संध्या भी होता है जी और जी बीच बीच जी में हमारा कई एपिसोड है, तो उसमें हम आपको जरूर लेना चाहेंगे। तो तब जी तक के लिए सर, नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सरिता जी से आप मिले तो ये जो संगीत संध्या, संगीत परिचर्चा पर हमारा एक प्रयास था कि हमारे जो पारंपरिक और हमारे लोकगीत को संरक्षित रखना, और एक छोटा सा साक्षात्कार कि हमारी बिटिया किन्नौर से बाहर जो सेवाएं दे रही है, किस प्रकार से वो जो हमारे जो है पारंपरिक चीजों को संरक्षित रखते हैं। तो आपको ठीक 9 बजे आज का जो हमारा 26 जनवरी है उसको क्या क्या गतिविधियां रही भावनगर के अंदर में, उसका प्रसारण किया जाएगा। तो ठीक 9 बजे आप पुनः दोबारा जुड़ सकते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि। सुरसुली हचिम शुरू, बचपन याद करे रंग शुम, रे अंगु सुरसुली हचिम शुरू।